स्टूडेंट्स आज हम प्रोनाउन पार्ट थ्री पर्सनल प्रोनाउन रो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन विषय आज पढ़वा आगर प्रोनाउन पार्ट वन रे व्हाट इज प्रोनाउन आउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ी पार्ट टू रे आम पढ़ी ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन तेज देखा से निश्चित भाव तुम देख जहाँफल तुम पार्ट थ्री बुझे किसी भी असुविधा हे ना जदि न देखि थे से दुईटर लिंक मुझर डेस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देवी निश्चय देख लेट्स स्टार्ट सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन प्रथम आम जानचु कि फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर प्लुराल वी सेकेंड पर्सन यू प्लुराल यू थर्ड पर्सन हि सी इट हो सिंगुलर पर्सन रे प्लुराल पर्सन रे अच्छे दे तो ये जो प्रोनाउन रही यही प्रोनाउन जदि गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट होता है से हूँ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन एवं आम देखा रिस्पोंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार आम पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर पार्बा गोटे हूँ सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कहुए से आम आई उ यु यू हि सी इट दे ये सब आम सेंटेन्स सब्जेक्ट करवा जिते बड़े ताकि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हूँ एटा हूँ जमती आई हूँ मु ऑब्जेक्टिव रे हूँ मोते वी मैंने आंभे ऑब्जेक्टिव रे हूँ अस आंभ को यहाँ हूँ तुम्हें तुमको यहाँ हूँ यू तुमको अर्थात यहाँ हूँ ऑब्जेक्टिव तार लक्ष्य तार उद्देश्य जोटा आम कौ सेंटेंस रो से हूँ यहाँ आम मी अस यू यू हिम हर इट दे आम तर आगे तर सेंटेंस मेकिंग शिखा तो भल भाव आम बुझीपर पॉजिटिव केस कौन ये जमती मु मोते मोर यहाँ सेमती तुम्हें तुमको तुमर योर योर्स सेमती हि से तांकर हर ये ऑब्जेक्टिव रे भी हम पॉजिटिव रे तो पॉजिटिव अर्थ कौन ना ये हूँ जोटा कहते अधिकार सूचक वाक्य अर्थात माई जिते बहबी मोर मोर अधिकार अच्छे जमीका से पॉजिटिव केस अर्थात आम प्रोनाउन को आम तीन टा फॉर्म रे यूज कर पारिबा यही सब जो रही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव आम पॉजिटिव को जेनेटिव कही पार ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव कही पार सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव कही पार देखा सब्जेक्टिव केस केमती देखा पटे दि केस used for a noun or pronoun that is the subject of a verb but verb gote kaam kariya pai gote karta dorkar to loves hochi gote bhalo paiba pai gote verb to tar karta no thile verb kaam kemti karibo se verb to hochi doing word tenu loves pai ame rakel ku subject neich to eithe hochi subject gote noun rakel hochi gote noun tar hochi pronoun e hochi proper noun jota ki namavachak bishesh rakel किंतु ये देखा राकेल लव्स रनिंग राकेल रनिंग को भल पाए तो यही सेंटेंस रा सब्जेक्ट हूँ राकेल ये देखा आई सो हिम आई हूँ सब्जेक्ट सो हूँ भर तो यही जो सो सब्जेक्ट हूँ आई तो आई हूँ गोटे प्रोनाउन तेणु आम कौन जानलु जिते बड़े प्रोनाउन सब्जेक्ट भाव में व्यवहार करा सब्जेक्टिव केस इधर देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन आई हियर नथिंग आई वांट टू सी यू एंड आई विल सी लुक्ड अप तो ये सेंटेंस रे जते बेले प्रोनाउन जते बेले सब्जेक्ट रे ऊपर यूज करूचे हमें व्यवहार करूचे सेंटेंस रे जते कर्ता होचे ये प्रोनाउन सेई प्रोनाउन होचे सब्जेक्ट प्रोनाउन एबे हमें किछि एग्जांपल इथि करबा देखियो देखो एठी होचे सी द पिक्चर एंड राइट ही शी इट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सी तुम्हें कौन देखु से अनुसार ये जो चित्र देखिकी तुम्हें ये प्रोनाउन यूज कर आम जानचु कि आम मुखस्थ करदे कि आई वी यू हि सी इट दे हूँ प्रोनाउन पूरा आखि बंद करके तुम्हें मन रखिद तो पिक्चर देखिकी आम के प्रोनाउन यूज करवा डेस इज स्टैंडिंग क्वाइटली तो यहाँ हूँ गोटे एनिमल तो से मेल कि फिमेल आम जानू तो आम ये इट लिखा इट इज स्टैंडिंग क्वाइटली This is washing the car. It is a female. Then we see like that. She is washing the car. This is reading aloud. It is also got a male. So we see like that. He is reading aloud. So it is this is carrying pumpkins.
एटा जदि गोटे कार्टून अच्छी तो आम मेल कि फिमेल जापारू तो आम जब न जापारे आम इट इज केयरिंग पंपकिन्स लिखा ना मेल जदि भाविया तो हि इज केयरिंग पंपकिन्स लिखा तो ये गोटे आनिमल अच्छी डेस रोस भेरी लाउडली तो ये प्रोनाउन कौन लगे ना आम तो मेल फिमेल कि कौन आम जानूँ तेणु आम इट रोस भेरी लाउडली लिखिपर ए सब हूँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेमटा देखा डैश इज ए न्यू रेड डायरी तो डायरी पर डैश इज ए न्यू रेड डायरी यहाँ गोटे न्यू नुआ हूँ डायरी तो इट बस आम डायरी पर डैश प्लेज द गेट आर भेरी ब्यूटीफुल तो ये लेडी अच्छी तो आम सी लिखा डैश हेज बीन चैटिंग फॉर एन आवर नाउ तो ये आम मेन अच्छी तो आम हि लिखा हि हेज बीन चैटिंग फॉर एन आवर नाउ से घंटे धरिकी कथा हो सहित फोन में डैश इज प्लेइंग विथ ए बॉल तो आम इट लिखा इट इज प्लेइंग डैश लव्स टू स्विम तो इट लिखा आम ये तो डैश इज गोइंग टू कॉलेज ऑन फुट इट बॉय अच्छे तो आम ये हि लिखा एटि सेमती दैट इज ए मेन मेन पाखे आम ये फुल स्टॉप अच्छे तो आम मेन हि इज इटिंग फुड लिखा सिला हेज ए मेगा फुड डैश इज गोइंग टू से समथिंग सी लिखा जेहेतु सिला हूँ फिमेल I want to eat the burger, but dash is very hot. It is very hot. तो अर्थात मु बर्गर खाइबा को चाहूँची इच्छा करूँची किंतु सेटा गरम अच्छे तो इट इज भेरी हट लुक एट हारी डैश इज कैरिंग ए लंच टे तो हारी पर आम हि लिखिपर कैन यू सी दैट तो सी का देखिपारे कि तो काम जानचु कि से फिमेल तेणु आम से ग्रास लिखिपर डैश इज टेकिंग ए कार्ड फ्रम द लिटिल गर्ल तो ये भी लेडी आए भी हूँ गर्ल अच्छी तो सी इज टेकिंग ए कार्ड फ्रम द लिटिल गर्ल डैश इज सच ए लवली फ्लावर फ्लावर पर आम ये बस डैश इज ए डॉक्टर डॉक्टर पर आम बस हि इज ए डॉक्टर डैश इज जर्मन शेफर्ड डॉग तो आम इट लिखिपर इट इज ए जर्मन शेफर्ड डॉग आम एनिमल जेहतु मेल कि फिमेल जानू जिते आम से आम इट लिखिपर डैश इज टेलिंग ए सिक्रेट टू सुनीता तो ये हूँ गर्ल अच्छी तो सी इज टेलिंग ए सिक्रेट टू सुनीता कर गर्ल्स नेम इज जेनी तो गर्ल्स अच्छी गर्ल्स एपोस्ट्रोफ एस अच्छी पोजेसिव फॉर्म रे जो एटा गर्ल्स रो नाम को बुझुचे तो आम ये सी इज गिविंग ए कार्ड फॉर मदर कैन यू सी द मेन तो मेन आम कौन बस हि इज हाइडिंग बिहाइंड द टेंट व्हाट इज द बियर डूइंग बियर कौन कर पीपिंग फ्रम द टेंट रु से उंकी मारिक देखुची दैट इज आनी तो आनी आम गोटे गर्ल अच्छी तो आम सी लिखिपर द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द बॉय बिकॉज बॉय लिखा अच्छे तो बॉय हूँ सिक अच्छे तो हि इज सिक लिखिपर डैश इज पुशिंग द ट्रॉली हि इज लिखिपर बॉय अच्छी डैश इज गेटिंग रेडी टू गो आउट तो आम ये लिखिपर से लेडी अच्छे सी इज गेटिंग एठे आम देखा कि पर्सनाल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस केमती व्यवहार कर सब्जेक्टिव केस सी इज गुड आई एम गुड तो ये देखा सी ये हूँ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट आई रे हूँ सब्जेक्ट तो सी इज गुड रे सी सब्जेक्ट आई एम गुड रे आई एम सब्जेक्ट तो आई सब्जेक्ट सॉरी सी इज गुड रे सी सब्जेक्ट आई एम गुड रे आई हूँ सब्जेक्ट तो जितेबाला आम कंपेरेटिव डिग्री पकड़ जयन करवा दुटा सेन्टेन्स को जयन देटेन्स करें कौन कर सी इज बेटर देन आई कह कारण ये सब कर्ता ये भी कर्ता ये के कर्म बा ऑब्जेक्ट हम ना मी हम ना जेहेतु सी भी भल ये भी भल सी भी कर्ता आई भी कर्ता तो केते बड़े सी इज बेटर देन मी हम ना सी इज बेटर देन आई हम आगर आई एम लिखा एवं खाली आई लिखाऊँगी देन हूँ गोटे कंजक्शन सी सहित तो आई को से सेंटेन्स जयन करवल तो सी इज टल आई एम टल सी एटी हूँ सब्जेक्ट आई एटी सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हम ना जेहेतु दुई जन जाकर क्वालिटी आ पोजिशन ठीक रही तो सी इज टल आर देन आई हम मी हम ना यू आर स्मार्ट सी इज स्मार्ट तो यू सब्जेक्ट सी भी सब्जेक्ट देन यू आर स्मार्टर देन सी हम हार हम ना सेमती सब्जेक्टिव केस रही हि इज स्मार्ट आई एम स्मार्ट तो हि इज जदि जॉइन करने कह सी भी स्मार्ट मुझे स्मार्ट तो हि इज एज स्मार्ट एज आई हम जेहेतु ये हि सब्जेक्ट अच्छी आई भी सब्जेक्ट अच्छी तेज सब्जेक्टा के ऑब्जेक्ट ये हम ना तो हि इज एज स्मार्ट एज आई हम मी हम ना
she is good, I am good. तो ये देखिए बस she subject हो ची, I भी subject हो ची, तो ना हमें जब तबले she भी good, मु भी good, तबे मु कहेंगे objective, तो ना she is as good as I, they are rich, we are rich. तो she भी धनी, मु भी धनी, she भी subject दे, मु भी subject दे, तो ना they are as rich as we. She is a dancer, I am a dancer. तो she हो ची subject, I मध्य subject. तो ना she is a better dancer than I. यहाँ तुम मन रखी तुम मैंने निश्चित भाव कर पाने तुम्हें हूँ प्रणयन गोटे चैप्टर पूरा खाता पार्ट वन पाठ लिख पार्ट टू करके लिख पार्ट थ्री कर सब खातार लिखले निजे जिते थर तुम निजे बस कि लिख सब कथ भल भाव बुझी पार आप ऑब्जेक्टिव केस प्रणयन लेकिन आसवा तो धन्यवाद।